नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। बिहार की नीतीश कुमार सरकार की ओर से राष्ट्र में कराई जाने वाली जातिगत जनगणना के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने मामले में तत्काल सुनवाई के लिए भी हामी भर दी है। सर्वोच्च न्यायालय याचिका पर 13 जनवरी को सुनवाई करेगा। राजस्थान के झालावाड़ जिले की नगर परिषद से ट्रांसफर और एपीओ हुई आयुक्त पूजा मीणा ने आईएएस अधिकारी और पूर्व डीएलबी डायरेक्टर पवन अरोड़ा पर सेक्स स्कैंडल चलाने और हरेसमेंट करने के लिए गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बरेली में शीतलहर का प्रकोप जारी है। बुधवार की सुबह भी कोहरे के साथ हुए आसमान में बादल भी छाए हुए हैं। वहीं कोहरे के साथ शीतलहर और गलन से लोगों के हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। सर्दी से राहत पाने के लिए बसों अड्डों समेत कई जगहों पर लोगों से अलाव तापते नजर आए। भूदंसाव से प्रभावित जोशीमठ से अलग अलग जांच दलों की रिपोर्ट आ जाने के बाद ही राज्य सरकार केंद्र को राहत पैकेज का प्रस्ताव भेजेगी। तब तक जाकर सरकार रिपोर्ट आने का इंतजार करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों से अनुरोध किया गया है कि ताकि जल्द से जल्द भूदंसाव के कारण पता चल सके। टिकटॉक 16 के आने वाले एपिसोड का एक प्रोमो सोशल मीडिया पर साझा किया गया है। इस प्रोमो में दिखाया गया है कि गुरदीप सिंह अपनी बेटी निमृत को मंडली से दूर होकर खेलने की बात कह रहे हैं। निमृत और उनके पापा के बीच मंडली के बारे में बातचीत चल रही थी कि इस दौरान गुरदीप सिंह बोलते हैं कि साजिद ने स्टैंड को क्यों कहा कि वह एक समय आने पर धोखा देंगी, तुम्हें मंडली के बाहर भी देखना चाहिए। इस पर निमृत कौर भड़क जाती है। पाकिस्तान के आंतरिक गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के ऊपर मंगलवार को जूते से हमला कर दिया गया। यह हमला तब हुआ जब से अपनी कार से पंजाब विधानसभा की बैठक से निकल रहे थे। हालांकि कार का शीशा लगने से उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। अभी यह पता नहीं चला है कि हमला किसने किया है। पुलिस जांच में जुट गई है। सुल्तानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर लोनी कटरा थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को आगोश में ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब तक आग बुझाती, ट्रक जलकर राख हो गए। करीब 30 लाख रुपए के नुकसान की संभावना जताई गई है। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने आए प्रवासी भारतीय बाबा महाकाल दर्शन के लिए लगातार उज्जैन पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार 4 दिन में 400 प्रवासी भारतीय दर्शन लाभ ले चुके। उनकी भस्म आरती सहित अन्य दर्शन के लिए प्रशासक संदीप सोनी ने विशेष टीम बनाई है, जो तड़के 3 बजे से 7 रात 10 बजे तक प्रवासी भारतीयों को दर्शन के लिए अलावा महाकाल लोक भ्रमण में सहयोग दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बेलगावी से पार्टी की पीपुल्स वॉयस यात्रा की शुरुआत की है। मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में मंगलवार को एक धमकी भरी कॉल आई, जिसमें अज्ञात कॉलर ने स्कूल को उड़ाने की धमकी दी। मुंबई पुलिस के मुताबिक स्कूल के लैंडलाइन पर शाम 4:30 बजे एक कॉल आई। फोन करने वाले ने स्कूल में टाइम बम लगाने का दावा किया था। इसके बाद फोन करने वाला डिस्कनेक्ट हो गया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।